यूपी के देवरिया से सामने आई घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। एक ही गांव के दो घरों में रहने वाले 6 लोगों की हत्या ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। जमीनी विवाद को लेकर पहले एक युवक की हत्या और फिर बदले की आग में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। इस पूरी वारदात के पीछे 10 बीघा जमीन को कारण बताया जा रहा है। 2 अक्टूबर की सुबह रुद्रपुर थाना के फतेहपुर गांव के लेहरा टोला पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव की हत्या कर दी गई। इसके बाद नाराज परिजनों ने सत्यप्रकाश दुबे के घर पर धावा बोल दिया। महज 20 से 25 मिनट में पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि सत्यप्रकाश ने अपने हिस्से की 10 बीघा जमीन को प्रेमचंद्र को दिया था। दोनों के बीच इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सत्यप्रकाश ने इस मामले में कोर्ट से स्टे भी लिया। पैमाइश हुई लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। घटना वाले दिन भी इसी जमीन को लेकर कहासुनी हुई थी, जो खूनी संघर्ष में बदल गई।